एक्साइटिंग गेम गाइस, ये देखो कैरम बोर्ड गाइस, काफी टाइम के बाद खेलेंगे इसका। शायद मेरे पास हमारे पास पाउडर भी था, बट पाउडर पता नहीं कहाँ गया है। पाउडर हम ये डाल लेते हैं गाइस, ये लो। बहुत है काम चलाने का, लाइट बहुत है गाइस इसको। तो हम था ना, नवीन पता नहीं कहाँ गया, उठ के बैठे तो चलो स्टार्ट हो चुकी है। ये पिरो पिरो प्लेयर एक साइड चले गए हैं दोनों। ये होना तुम दोनों सीरियसली, मेरे को आता है खेलना पर इतना भी नहीं आता है कि हाँ आता तेरे को थोड़ा। कोई चक्कर नहीं है, जो देखो पुरानी गेम हम ताजा कर रहे हैं अभी, तो लोग फ्री फायर खेल रहे हैं। आपका पाउडर कहाँ है? पाउडर गाइस आजकल के लोग ना फ्री फायर खेल खेल के, देखो आंखें देखो, ये ना कल हुई है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे गाइस, सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस आज के इस व्लॉग में गाइस हम टमाटर भी तो हमने पैकिंग कर ली है, टमाटर की पैकिंग करके और सब कुछ टमाटर को अपनी जगह पे रख के आ चुके हैं हम लोग। आपको सबसे पहले दिखा देते हैं गाइस आज का मौसम, चेक करो आज डिफरेंट है मौसम बिल्कुल। धुंद तो है थोड़ी थोड़ी, बट फिर भी गाइस थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। और अभी आपको दिखाते हैं टमाटर वगैरह हमने रख दिए गाइस एक ही जगह पे, थोड़ी देर में गाड़ी भी आ जाएगी, शायद 11 या 12 बजे तक गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, इस गाड़ी आने के लिए तो है अभी काफ़ी टाइम है, तो उतने में हम कुछ और काम कर लेंगे आज ना। कल तो पापा ने गाइस सारे खेतों में स्प्रे निपटा ली थी, अकेले ही करते रहे। मैं तो सोलन चला गया था मासी को लाने के लिए, तो पापा ने पूरे खेत में स्प्रे करके निपटा दिया है। चाहे इसके हाथों में फ़ोन है, दिखाओ कौन सा फ़ोन है, दिखाओ। ये देखो गाइस नोकिया, गुड 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 जॉब। सो गाइस ये रहे हमारे टमाटर, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 क्रेटे गाइस। तो इसमें RLT मार्कर लग चुका है और 9 जमा 3 12 क्रेटे हैं, मतलब 9 क्रेटे तो बिल्कुल ओके ओके, बड़े साइज वाले जिसके हमने पैकिंग अल्टीमेट खतरनाक वाली पैकिंग की गई। जो 3 जो क्रेटे हैं गाइस, इसमें छोटा साइज है टमाटर का, काफ़ी ज़्यादा छोटा। तो गाइस इस गाड़ी ने काफ़ी साथ देती है हमारा, गाड़ी बहुत 2009 मॉडल है गाइस, 2009 मॉडल जिसके शीशे पर अपना नाम लिखा हुआ है। धूल लटा देते हैं गाइस सबसे पहले तो, क्योंकि नाम के ऊपर धूल अच्छी नहीं लगती है ना, नाम के ऊपर धूल नहीं अच्छी लगती गाइस। तेरा को चेकआउट करो अनु ठाकुर व्लॉगर, जिनको सर्च करना होगा ना यूट्यूब पे, कोई सब्सक्राइबर्स होते हैं सर्च करके सब्सक्राइब चैनल ढूंढते हैं हमारा, तो ये सब्सक्राइब करने के लिए गाइस अनूप ठाकुर व्लॉगर 1592। ठीक है गाइस 1592 है। तो कल गाइस मैंने इसमें पानी वगैरह मारा था, अच्छी तरह से तो नहीं मारा गया, जल्दी जल्दी में यहाँ पे ड्रम में, तो यहाँ से पानी वगैरह मारा था तो साफ़ हो चुकी थी, लग गया था फ़ोन से करने ऐसे ऐसे ले, और अच्छे से साफ कर लेता हूँ गाइस। ये फ़ोन दिखाओ, फ़ोन देखते गाइस इसके ऊपर बाहर चलिए, देखो फ़ोन वाओ गाइस, देखो गाइस चेक दिस आउट, खतरनाक वाला फ़ोन है ना। बैटरी कहाँ है इसकी, बैटरी है नहीं, सिम सिम भी नहीं है, लेनी है सिम, बैटरी। हेलो बोलो, हेलो फोन आया, फोन आया उदय, फोन आया, हेलो गाइस इसका नाम उदय है। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो बाय जॉगर, बाय 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 गाइस। चलो तो चलो गाइस अभी चलते हैं अपन लोग, सबसे पहले खाना वगैरह खा ले, कुछ का थोड़ा बहुत जो काम होगा वो करेंगे। ठीक है गाइस, मम्मी अभी खाना खाने का टाइम हो गया, मम्मी का खाना वगैरह खाएंगे वैसे, जिसमें खाने में गाइस यहाँ से दिख रहा है मेरे को आलू मटर और परांठे और चाय। गाइस दादी गाइस आपको ना गाना सुनाएंगे, एक गाना बोलते दादी क्या बोलते उसको जो शादी में गाते हो, सुनना है आपने तो सुना दो दादी। हाँ तेलिया गाइस सुनना अभी, लिया में लिया तेल पाए, मम्मी सोहागन तेल पाए। कब गाया जाता था दिए गाना, जब तेल पाता। यस गाइस जब लाड़े को तेल मिलता है ना, लाड़े को तो गाइस ये जो हमारे हिमाचल में हमारे तेल डालते हैं उनका मम्मी भाभी दादी गाँव से आते हैं और नानी सुहागन होती है वो पार डालती है। गाइस मैं तो जाने लगा घास को, बस पिया पिया तू भी आ जा। तो चलो गाइस अभी चलते हैं घास को, पिया भी आ जाएगी थोड़ी देर में। आज हम जा रहे हैं किसी अलग ही दिशा में गाइस, बाड़ी के पास से जाएंगे।
चले ताई जी। जी भी आ चुका है हमारे साथ, साथ नहीं बहाना। आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो बादल फटे थे ना हमारे घासनियों में भी, उसका नतीजा दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस यहाँ पे भी बादल फटा था तो गाइस बहुत ज्यादा पानी गया यहाँ से भी, इतना नुकसान हुआ। देखो पेड़ गिर गया और दो जगह पे बादल फटे, एक यहाँ पे फटा है और एक आगे भी फटा है। ठीक है तो और ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो अभी चलो देखते हैं आगे। दूसरी जगह ये है जहाँ पे बादल फटा था, ये देखो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा इस, यहाँ पे इतना खड्डा हुआ हुआ ना जहाँ पे बादल फटा था। तीन जगह पे ना, तीन चार जगह पे कैरी गैस पिया, एक ये, एक वहाँ पे मैंने आपको दिखाया पहले, एक और नीचे बता रही है कि नीचे भी बादल फटा है, तो तीन जगह फटा गैस गैस। और यहाँ पे घास भी हमारा खराब हो गया, इतना बढ़िया घास होता ना गैस इस जगह पे। अभी देखो क्या काटना है यहाँ पे, ये रहता है थोड़ा सा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ऐसे यहाँ पे घास काटने में। अभी पिया ने मम्मी को किया है फोन कि यहाँ पे घास तो है ही नहीं। अब कितना हो मम्मी कह रहे हैं, पिया ने कहा कि यहाँ पे तो घास खत्म हो गया है जो बादल फटा था, अब कहाँ पे काटे हम घास। तो मम्मी कह रहे हैं कि रास्ता ही काट लो, जो रास्ता है ना गाइस ये तो हमारा नहीं है, ये ताऊ जी और का है, तो पीछे जो घास नहीं है वो हमारी गाइस, वहाँ पे काटना पड़ेगा हमें। सो गाइस काट लिया हमने घास, ये देखो 12 बुलटे मेरे हो गए हैं और 14 पिया ने काट लिए है। मैं थोड़ा स्लो काटता हूँ ना, बट गाइस जितना भी था हमने यहाँ पे कर लिया इकट्ठा जैसे तैसे करके। काफ़ी मुश्किल हुई, काफ़ी टाइम लगा गाइस हमारे यहाँ पे। और गाइस काश ये भी बिल्कुल ठीक होता ना, ना फटता बादल, तो यहाँ पे भी इतना बढ़िया घास होना था जितना घना घना यहाँ पे था। अभी गाइस लगाते हैं इसका बिंडका और लेके चलते हैं गाइस घर को। फाइनली पहुँच गए हम घर, आते ही गाइस मैं नहा भी लिया, गीजर चलाया हुआ था शायद से कब्बू ने या मम्मी ने, किसने चलाया था गीजर आपने? गैस कब्बू ने गीजर ऑन किया हुआ था, तो पानी इतना ज़्यादा गर्म तो नहीं था पर ठीक ही, ठीक ठीक ही था। अच्छा अच्छा नवीन और ने गैस, अभी नवीन और भी नया ना, तो चलो ठीक है जिसने भी किया था वो सब ना लिए गैस। अभी आपको ना मम्मी का एक्स्ट्रा दिखाता हूँ, ये देखो एक्स्ट्रा गैस, हम सिर्फ इसको देख ही सकते हैं बाकी पता नहीं लगता हमें कि क्या कौन सी दिक्कत कहाँ पे, इसको देख ही सकते हैं बाकी पता नहीं चलता हमें कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ हुआ कहाँ पे नहीं हुआ हुआ। मासी हो रहा है ना नानी के घर से, तो नानियों ने पता क्या भिजवाया हमें, देखो पतीसा गाइज जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। अभी हम इसको खोलते हैं गाइज डिब्बे को और सारे फैमिली को बांटते हैं गाइज और खाते हैं। और गाइज सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से नानी को थैंक्स, धन्यवाद नानी जी, शुक्रिया इतना कुछ देने के लिए। नानी हमें बहुत कुछ देती है गाइज, देखो सब्जियाँ दी, मक्की दी जो कि हमने मॉर्निंग में खाई गाइज, बहुत ही टेस्टी मक्की थी गाइज। तो नानी ना यार इतना ज़्यादा प्यार करती है ना गाइज हमें, स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं नानी। सही में नहीं जेलस कर रही है, जेलस कर रही है लड़की नानी जी। तो चलो गाइज खोलते हैं मिठाई का डिब्बा और अभी खाते हैं, सब लोगों को बांटते, दादी को भी दे देंगे थोड़ा। सो गाइज आपका भाई ना भी जा रहा है खेत में, पापा जा चुके हैं, हमें जाना भी बड़े वाले खेत में। और मौसम देखना आपने, ये देखो गाइज पता नहीं चलता यार कब जैसे बारिश आ जाए ना, और थोड़ी देर में शायद आ भी सकती है बारिश ना, और उससे पहले पहले ना गाइज हम टमाटर में जाके, वो आपको टमाटर के खेत में जाके बताऊंगा कि क्या काम करना है अपने, टमाटर इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। सो गाइज खेत में तो हम पहुंच चुके हैं और हमें काफ़ी टाइम हो गया काम करते करते, अभी नहीं पहुंचे तो मैं काम करने में जुट गया था गाइज, नवीन भी आ चुका था और अभी हम कर रहे हैं गाइज। हम पता क्या कर रहे हैं इसमें, जैसे कि ये देखो इसमें जो काम कर रहे हैं, जैसे कि ये देखो गाइज ये टमाटर का पौधा है ना, ये बाहर निकला हुआ है, तो इससे हमें फंसाना है इस टमाटर की डोरी में अंदर को, ऐसे करके ठीक है, पत्ते निकाल देंगे बाहर को अच्छे से और ऐसे करके फंसा देंगे ताकि ये बाहर ना निकले और इसी में इसकी ग्रोथ हो जाए और बढ़िया टमाटर मिले इसमें गाइस। तो ऐसे करना पड़ेगा गाइस हमें। गाइस भाई लक्ष्य और तो कुछ नहीं लेके आए, सिर्फ पानी लेके आए थे और हम आस लगा के बैठे थे कि चाय लेके आएंगे, बस ऐसा कुछ हुआ नहीं गाइस। तो कोई नहीं, चाय घर में जाके पी लेंगे, अभी लास्ट खाना रहता है हमारे ना, दो तीन लाइनें रहती है बस करने के लिए, तो करते हैं गाइस इसको बस, फिर निकलते फिर चाय पीनी पड़ेगी। बस आंस लगा के हम ऐसे बैठ गए थे कि आ गई है गाइस चाय, आ गई चुकी है चाय, बट नहीं नहीं लेके आए लड़के। तो गाइस पहुंचने वाले हम घर, बस खेत से वापस आ चुके हैं, सारा काम निपटा के पानी की बोतल मैंने खाली कर दी है, हाथों को मैंने साफ़ किया। देखो गाइस अभी देखो वो ना खट्टा घास जो था उससे मैंने घिसा, हाथों को बिल्कुल साफ़ हो गया अभी तो हाथ,
बस अभी घर जाके पहले चाय पी लेंगे। सो गाइस अभी तुम्हारा भाई सारा काम निपटा के आ चुका है। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले हम डोगी को लेके गए थे जहाँ पे मैं और लक्ष्य लेके गए थे, रोक्सी को लक्ष्य लेके गया था, रोक्सी को और मैं लेके गया था टैक्सन को। और क्या क्या दिखा वहाँ पे? सांप दिखा गाइस, ब्लैक कलर का बट छोटा था। तो लक्ष्य कह रहा था कि वो ब्लैक मांबा है, बट वो ब्लैक मांबा नहीं था गाइस, नॉर्मल सा सांप था जो कोबरा भी निकाला था आपको पता है। तो गाइस अभी हम खेलने जा रहे हैं टिंग गेम गाइस, ये देखो कैरम बोर्ड गाइस, काफी टाइम के बाद खेलेंगे इसका। शायद मेरे पास हमारे पास पाउडर भी था बट पाउडर पता नहीं कहाँ गया है। पाउडर हम ये डाल लेते हैं गाइस, ये लो बहुत है, काम चलाने का लाइट बहुत है गाइस इसको। तो हम इसका पाउडर भी था उसका था, पता नहीं कहाँ गया, उठ के बैठे पीछे चल। तो चलो यार, स्टार्ट हो चुकी है गेम। पूरे में डालना पड़ेगा पाउडर। ये पीरो पीरो प्लेयर एक साथ चले गए हैं दोनों। पाउडर कहाँ गया? आप दोनों ये होना तुम दोनों क्या पाउडर? सीरियसली मेरे को आता है खेलना पर इतना भी नहीं आता है कि हाँ है कोई चक्कर नहीं है। जो देखो पुरानी गेम हम ताजा कर रहे हैं अभी, तो लोग फ्री फायर खेल रहे हैं। आपका पाउडर कहाँ है? पाउडर कल के लोग ना फ्री फायर खेल खेल के देखो आंखें देखो ये ना कल हुई है। चलो गाइस कैरम बोर्ड खेलते हैं ना फटाफट से, और हराते इनको, चिमकांडियों को, तीन चार चिमकांडियों हमारे सामने हैं इनको हराते हैं। कैरम बोर्ड खेल के हम लोग हो चुके फ्री, और अभी हमने खाना वगैरह भी खा लिया। बस अभी टाइम है आपको अलविदा कहने का, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट, और गाइस चैनल को करना प्लीज सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ध्यान सबको। बाय बाय।